वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। ये देखें ज़रा, मुझे हंसा रहे हैं ये लोग। दो दफ़ों में वीडियो बना रही हूँ, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, और तीसरा कि मेरे मतलब चुप रहे हैं ना, कोई बोलना नहीं। और ये देखें क्या दिखा रही हूँ, मेरे के करेले कीमा, करेले प्याज है, और ये है पेशावरी कीमा, फ्रूट भी रखा है, अंडा बनाया है, रायता भी है, पराठे भी हैं, और हमारी मज़ेदार सी पापा बिरयानी भी है जो हम सहरी में खाएंगे। तो आज का व्लॉग मैंने सहरी से स्टार्ट किया है, तो मिलेंगे अब इंशाल्लाह सुबह शॉपिंग पर, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने बताया था आपको, मैं सहरी कर रही थी उस टाइम पर, फिर बर्तन वगैरह धोए, किचन समेटा, उसके बाद फिर नमाज़ के बाद फ्री होने के बाद, इबादत मतलब पढ़ने के करने के बाद सारी चीज़ें से फ्री होकर फिर मैं थोड़ा सो गई थी। बस थोड़ा ही सो पाया क्योंकि जाहिर सी बात है फिर सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि हम लोगों को जाना था शॉपिंग करने, और शॉपिंग करने हम जा रहे हैं तारिक रोड। तो बस अब निकलेंगे थोड़ी देर में, फिर मैं आप लोगों को वहाँ पर भी दिखाती हूँ। अगर वहाँ अलाव हुआ तो थोड़ा ज़्यादा दिखा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिर बस ये कि थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी, फिर आप लोगों को बाकी शॉपिंग तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, और मास्क ज़रूर पहनें, हैंड सैनिटाइज़ ज़रूर करें, और कहीं से भी आने के बाद तो आप सही से अच्छे तरीके से अपने हैंड वॉश ज़रूर करें। चलें तो फिर चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो हम आ चुके हैं मॉल, और मॉल की देखिए कितना प्यारा बना है यहाँ पर। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो जाहिर सी बातें सिर्फ देख सकते हैं, तो देखिए आप कितना प्यारा मॉल है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा है। सारी जो है ना, जितनी भी ब्रांडेड जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी आउटलेट्स वगैरह हैं, ये सब यहाँ पर है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी शॉप्स हैं। हम लोग भी पूरा हमने मॉल घूमा और बहुत थक गए थे, क्योंकि हम सुबह 11 बजे के निकले, तो हम शाम में तकरीबन 5 बजे घर में आए हैं। बहुत सारी शॉपिंग करी, मुझे भी करनी थी, मेरी नन को भी करनी थी, अलबीना साथ में गई थी उसे भी करनी थी, तो हम तीनों ने लिए। तो ज़ाहिर है तीनों ने बहुत सारी शॉपिंग की, तो टाइम भी लगा, और पसंद करना भी इतनी आसान नहीं होता कोई भी चीज़। तो ज्वेलरी वगैरह भी हम लोगों ने बहुत देखी, लेकिन मैं वेयर नहीं करती हूँ तो मैंने ली नहीं, और इन लोगों के लिए मैंने स्टड्स वगैरह लिए थे, वो आप आगे देखिएगा जब मैं, अरे मैंने बता क्यों दिया आप लोगों को अभी से ही, चले कोई बात नहीं, अब तो कह दिया। और मैं वीडियो बना रही थी ना, बड़ी एहतियात से बना रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक दो जगह पे मतलब गार्ड मुझे नज़र आया ना, मैंने फ़ौरन मोबाइल नीचे रख दिया, क्योंकि फिर इशू होता है इसी चीज़ का कि वीडियो वगैरह नहीं बनाए। लेकिन मैंने फिर भी बना ली, काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैंने कितनी सारी सब जगह की मैंने वीडियो बनाई है। तो बस मेरी वीडियो को देखते रहें आप लोग, इन्जॉय भी करते रहें। और फिर बस हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, मैं बताऊंगी नहीं, बता दूंगी तो सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा, वो आप मेरे आगे व्लॉग में देखिएगा सारी शॉपिंग वगैरह जो भी मैंने लिया है, और किस किस के लिए लिया है, और क्या क्या चीज़ें ली हैं, वो सब कुछ देखिएगा आप। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बार बार ये बात इसलिए कहनी होती है क्योंकि आप लोग, कुछ लोग जो ऐसे हैं के वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब करके, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें और फिर देख लें वीडियोस वगैरह, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं जाता आपकी, बस इससे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मामूली सी बल्कि, कि आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो आपके पास सारी वीडियोज़ आएंगी, तो आप वैसे देख लिया करें ताकि हमारा थोड़ा फ़ायदा हो जाए इसमें। तो जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उन सबको आप प्लीज़ सपोर्ट करें, जितने भी लोग हैं उन सबको, मुझ समेत, मैं भी बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब करती हूँ उनके चैनल को, वीडियोस भी देखने की पूरी पूरी कोशिश होती है कि जिनको मैं सब्सक्राइब करूँ उनके चैनल को, उनकी वीडियोस को ज़रूर देखूँ मैं। तो आप लोग भी प्लीज़ इसी तरीके से हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ये देखिए एक दफ़ा, और फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है $1 शॉप है, ये सब कुछ 160 रुपये में। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है ना चीज़ें थी, कुछ मैंने भी ली, लेकिन कुछ इतनी ख़ास नहीं थी, कोई बिल्कुल मज़ा नहीं आया लेने के बाद, और महंगी भी थी और बिल्कुल बेकार थी चीज़ें।
तो ये फजूल की बनाई है इन लोगों ने, $1 शॉप, लोग पागल होकर आ जाते हैं और जो है ना ख़रीदते हैं। हम भी थोड़े से पागल हो गए थे, शॉपिंग तो कर ली लेकिन मज़ा नहीं आया, घर आके भी देखा तो, लेकिन शुक्र करो ज़्यादा हमने अपना नुकसान नहीं किया, सिर्फ थोड़ा बहुत हुआ। और बाकी जो है ना ये देखें, अलवीना थक चुकी थी, यहाँ पर आके बिल्कुल तय हो गए थे हम लोग, क्योंकि वाकई बहुत थक चुके थे। तो बस आखिरी शॉपिंग करने के बाद फिर हमने अपना सफ़र अपने घर के जाने हमने स्टार्ट कर दिया है, और फिर हम लोग घर आ गए थे। तो आप बस देखिए आगे कि हम लोग घर आने के बाद फिर मैं अपने ये हमारा जो एरिया है दुआ चौक का, जो आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, तो बस हम लोग आ रहे हैं घर पर। ये देखिए हम लोग शॉपिंग कर कर आ चुके हैं डॉलमेन मॉल, डॉलमेन मॉल तारिक रोड कहते हैं। मुँह से ना निकल भी नहीं रहा कुछ, इतना थक गए हैं बुरी तरह, भी मैंने अब आया तक नहीं जो है ना चेंज किया है। और ये सब देखिए, बाकी सारी शॉपिंग मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। किस किस को मेरे शॉपिंग व्लॉग का इंतज़ार है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।